सच्चे प्यार की आई पहचान है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। जो लोग दिल के खास होते हैं, वो लोग हर पल पास होते हैं। जुबान है सिर्फ एक जरिया नहीं, जो आप शब्दों को समझ पाएंगे। कभी आंखों में झांक कर देखिए, हजारों अल्फाज खुद बखुद बिखर जाएंगे। कुछ लोग शब्दों से तकलीफ देते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार से तकलीफ देते हैं, कुछ लोग अपनी खामोशी से तकलीफ देते हैं, पर तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब अपना कोई हमें नजरअंदाज करे तो। नफरत एसिड की तरह है, जितना आप लोगों से नफरत करोगे, लोगों को तो कुछ नहीं होगा, खुद आप अंदर से नष्ट होते जाओगे। समस्या सिर्फ उम्मीद और वास्तविकता के बीच है, इसलिए या तो उम्मीद रखना कम करे और वास्तविकता को स्वीकार करे। किसी की यादों से जिंदगी गुजरा नहीं करती, अगर जिंदगी गुजरती तो कोई कभी मिलने की फरियाद ना करता। यादें तो जिंदगी कभी जीने ही नहीं देती। कभी कभी अच्छा होता है अकेले रहना, क्योंकि कोई हमें दर्द नहीं दे सकता। प्यार हर किसी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। कुछ चीजों की तब तक हम कदर नहीं करते जब तक हमें समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब वो यादें बन जाती है। जिंदगी में कुछ लोग हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए कि वो नहीं होते तो हमें अकेला महसूस होता है। अगर हम सोचे तो हर दिन स्पेशल है, अगर हम महसूस करें तो हर पल यादगार है, अगर हम देखें तो हर कोई स्पेशल इंसान है। अगर हम खुलकर जिए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हर दिल में दर्द होता है, कुछ लोग अपनी आंखों में छुपा लेते हैं और कुछ लोग अपनी मुस्कान में। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग उसी इतिहास को रटते हैं। सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है, अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, आई सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जब बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि नियत और तकदीर नहीं। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता निराश भय और असंतोष के कारण होती है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है, जो प्यार भरे 100 लबों को एक पल में भुला देता है। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मनचाह बोलने के लिए अनचाह सुनने की ताकत अवश्य होनी चाहिए। बुराई होनी भी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम नष्ट हो जाए। कड़वा सत्य, हर प्रशंसा करने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। सावधान रहना, लोग हमेशा अपना गुस्सा अपने से कमजोर व्यक्ति पे ही निकालते हैं। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार चरित्र एवं सम्मान की हो। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं।